let's listen in to a live reaction that's coming in from a Bengal minister. पश्चिम बंगाल में फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की रैली होगी. क्या कह रही है तृणमूल कांग्रेस, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल के पावर मिनिस्टर शोभनदेव चट्टोपाध्याय जी. फिर एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक के बाद एक रैली हो रही है और आप रोक भी दे रहे हैं चॉपर लैंडिंग से. देखिए, बीजेपी ने इस बार प्राइम मिनिस्टर भी बहुत दफे आया और उसका जो अध्यक्ष है वो भी बहुत दफे आया, लेकिन लाखों आदमी का समावेश करने के बाद भी बीजेपी का कोई सीट नहीं मिलेगा इस पश्चिम बंगाल में. पश्चिम बंगाल में वोट होगा जो ममता बनर्जी आम जनता के लिए काम किया उसी के ऊपर वोट होगा. यह रैली, ये फ्लैग, ये जुलूस, इसके ऊपर कोई नहीं इफेक्ट पड़ेगा आम आदमी के ऊपर. ये हमको, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. तो करने दीजिए ना, तो का जितना भी करने दीजिए, जितना भी खुश है उतना भी करने दीजिए. प्राइम मिनिस्टर कोई भी प्रदेश में इतना बार नहीं गया, अमित शाह कोई प्रदेश में इतना बार नहीं गया, तो बंगाल में आया तो देश प्रदेश के बाद उसको मालूम हो जाएगा आने के बाद भी क्या हो सकता है. दीदी तो कह रही हैं कि बार बार की आरएसएस यहाँ पर यूनिफॉर्म में आके काम कर रही है और पुलिस के वेशभूषा में काम कर रही है, किस तथ्य पर आरोप लगा रहे हैं आप ये? मैंने कल जो इलेक्शन कमीशन के पास गया था यही बात उनको बताया जी. आरएसएस के आदमी वो जो फोर्स आया है, अरा सेना जो आया है, उसका ड्रेस पहन के और इलेक्शन जहाँ हो रहा है उसमें खड़ा होकर बोलता है कि तुम बीजेपी को वोट दो, कमल में वोट दो. ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा आघात है. डेमोक्रेसी इसमें नहीं चलेगा कि हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी एक पार्टी का लिए आएगा, उसमें भाग लेगा. इसमें डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा खतरा आता है. तो क्या टीएमसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता खतरा हैं जो बार बार उनको रोक दिया जाता है? देखिए, ये सब कानून का बात है. पहले से परमिशन लिया, जो भारती घोष के बारे में हुआ उसको गाड़ी सीज कर लिया. क्यों लिया? उसको परमिशन नहीं था. इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता कि जो कानून से होगा वो कानून से होगा और जो बेकानूनी होगा उसको पकड़ जाएगा. एक सवाल और सुबंधा, बार बार गिरफ्तार हो रहे हैं. एक लड़की ने, प्रियंका शर्मा ने मीम बनाया था मुख्यमंत्री का जिसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, इसके क्या मतलब है? देखिए, चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई ऐसा कोई उसका सोशल मीडिया में इसके कोई पिक्चर देना ठीक नहीं है, गलत है. तो इसीलिए जो कानून है वो कानून से काम चलेगा, ये हमारे कोई बोलने का बात नहीं है. जो कानून है इसके ऊपर कानून का मुताबिक होगा. और मेरा आखिरी सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में, खासतौर से दक्षिण बंगाल में अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, कई जगह ऐसा बोला जा रहा है कि लेफ्ट भी बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हमारा चीफ मिनिस्टर पहले से बता दिया है, जगाई मादाई बधाई. CPM कांग्रेस और बीजेपी काफ़ी एक साथ चुनाव लड़ रहा है. किस किस कोई कोई केंद्र में तो ओपनली कर रहा है, कोई कोई केंद्र में छुपा से कर रहा है. लेकिन ये तो ठीक है कि वो लोग तृणमूल का विरोध में एक हो गया. So there is an exclusive conversation that Manogya Loyval also had with Bengal Minister Sovandeb Chattopadhyay. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.